लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले ही बीजेपी को करारे झटके लगने लगे हैं। एक के बाद एक कई बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो कई टिकट वितरण के बाद घर ही बैठ गए हैं। चुनाव के बीच बीजेपी में हुई बगावत ने पार्टी के सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। तो अब किन नेताओं ने छोड़ा बीजेपी का दामन, देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के बीच बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है, जिसके बाद हरियाणा की सरकार संकट में फंसती दिखाई दे रही है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की तरफ से कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया गया है। वो 9 अप्रैल को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता लेंगे। बीरेंद्र सिंह साथी के नाम से एक मैसेज सामने आया है। इसमें लिखा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कुछ विधायक और पूर्व विधायकों के साथ कांग्रेस में वापसी करेंगे। मैसेज में साफ है कि बीजेपी के कुछ विधायक भी पाला बदलेंगे। इस समय 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को 46 विधायकों का ही समर्थन हासिल है, और अगर 4 विधायक भी पाला बदल जाते हैं तो कुछ दिनों पहले ही सीएम बने नायब सिंह सैनी की सरकार भी चली जाएगी। बीरेंद्र सिंह का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने का ऐलान पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी को एक और बड़ा झटका ओडिशा में लग रहा है। यहाँ पार्टी की उपाध्यक्ष लेखाश्री सामंत सिंगर ने बीजेपी छोड़कर बीजेडी की सदस्यता ले ली। लेखाश्री सामंत सिंगर ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैंने पिछले 10 सालों से बीजेपी के लिए अपना खून पसीना बहाया, लेकिन मैं ओडिशा के लोगों की सेवा नहीं कर पा रही थी। ऐसे में उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।